हेलो एवरीवन, मैं निशा और निशास किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है पुरानी दिल्ली की फेमस मुगलई चिकन की रेसिपी। तो इस रेसिपी का कोई भी स्टेप आप मिस ना करें और वीडियो को विदाउट स्किप करे हुए पूरा एंड तक देखना। अगर आप मेरे सेम स्टेप को फॉलो करके अपनी इस रेसिपी को बनाते हैं तो सेम पुरानी दिल्ली वाला टेस्ट आपको भी अपनी रेसिपी में ज़रूर मिलेगा। अगर मेरी ये रेसिपी आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। मैंने यहाँ पे 750 ग्राम चिकन लिया है। इसे मैंने अच्छे से वॉश करके 5 मिनट के लिए विनेगर लगा के रखा था। विनेगर लगाने से चिकन की जो स्मेल होती है वो चली जाती है और जब ये कुक होता है तो इसके जो पीस हैं वो काफ़ी सॉफ्ट कुक होते हैं। इसमें ऐड किया है मैंने नमक, हल्दी, चाट मसाला, घर की कुटी हुई लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, जिंजर गार्लिक पेस्ट, दही। ये मैंने हाफ कप दही ली है जिसमें से मैंने 2 टेबल स्पून दही अलग निकाल के रख ली है। उसे मैं प्याज के साथ पेस्ट बनाने में यूज़ करूँगी। अब इसे हमें अच्छे से चिकन के साथ मिक्स कर लेना है। सारे मसाले और दही आपस में अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। अब इसे हम रखेंगे मैरिनेट होने के लिए। आपके पास जितनी देर भी टाइम है आप इसे उतनी देर के लिए रख सकते हैं मैरिनेट होने के लिए। अब एक मिक्सर जार ले लेंगे। इसमें डालेंगे सोख किए हुए काजू और ये सोख किए हुए बादाम जिसका मैंने छिलका उतार दिया है, और ये है मखाने। अब इसमें ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक पेस्ट बनाएंगे। तो ये देखिए पेस्ट मेरा रेडी है। इसे एक कटोरी में निकाल लूँगी और इसे रखेंगे साइड में। अब हमें प्याज को फ्राई करना है तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें डालूंगी रिफाइंड ऑयल। प्याज को यहाँ पे मैंने बारीक स्लाइस किया है और प्याज को हमें अच्छा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। तो यहाँ पे हम लोग गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे और इस तरीके से इसे इवनली चलाते हुए कुक करेंगे। प्याज को अगर हम लगातार इस तरीके से चलाते हुए फ्राई करते हैं तो इससे क्या होगा, जो हमारे प्याज हैं वो एकदम इवनली कुक होंगे। तो ये देखिए प्याज मेरे अच्छे से ब्राउन हो गए। इससे ज़्यादा ब्राउन इसे नहीं करेंगे। अब इसे हम लोग एक प्लेट पे निकाल के ठंडा कर लेंगे। अगर प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क हम ब्राउन कर लेते हैं तो जो चिकन का कलर है वो भी काफ़ी डार्क आएगा। प्याज जब हमारा ठंडा हो जाएगा तो दही के साथ हम इसका एक पेस्ट बनाएंगे और इसी ऑयल में हम लोग चिकन को भी कुक करेंगे। ऑयल की क्वांटिटी यहाँ पे ज़्यादा है तो इसे मैं कम कर लूँगी। और गैस की फ्लेम मेरी ऑफ है। इसमें मैं ऐड करूँगी खड़े मसाले, जीरा, काली मिर्च, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची और ये एक तेज़पत्ता जिसे मैंने तोड़ के डाला है। गैस की फ्लेम को ऑन कर लिया है और इसे थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे मैरिनेटेड चिकन। चिकन को हम लोग हाई फ्लेम पे भूनेंगे और इसमें हमने जो दही ऐड करी थी उससे थोड़ा बहुत पानी रिलीज़ होगा। उस पानी को हमें अच्छे से सुखा देना है और चिकन को तब तक भून लेंगे जब तक कि इसमें से ऑयल सेपरेट ना हो जाए और इसमें अच्छा सा कलर ना आ जाए। अब जो हमारे प्याज थे वो ठंडे हो गए हैं। अब इसमें मैं दही ऐड कर दूँगी जो मैंने 2 चम्मच निकाल के रखी थी अलग से, और इसका पेस्ट बनाएंगे। जब भी चिकन को आपको चलाना हो तो कड़छी को इस तरीके से नीचे की ओर डाल के फिर आप उसे ऊपर की ओर लेकर आएं। इससे जो हमारे चिकन के पीस होते हैं वो बिल्कुल नहीं टूटते और मसाला और जो ग्रेवी होती है वो भी आपस में अच्छे से मिक्स हो जाती है। और ये देखिए ऑयल हमारा सेपरेट हो गया है, चिकन भी काफ़ी अच्छे से भुन गया है। अब इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और ये जो हमने काजू और बादाम का पेस्ट बनाया था वो ऐड करेंगे। अब इन सबको आपस में अच्छे से मिक्स करेंगे हल्के हाथों से, जिससे कि हमारे जो चिकन के पीस हैं वो टूटे नहीं। अब इसमें ऐड करेंगे जो हमने प्याज का पेस्ट बनाया था। प्याज का जो पेस्ट है वो हमें ज़्यादा बारीक नहीं बनाना, इसे मैंने थोड़ा दरदरा ही रखा है। अब इसको भी हमें चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है।
अब प्याज डालने से चिकन की जो ग्रेवी है इसमें और अच्छा कलर आ जाएगा। अब प्याज और मसाले चिकन में आपस में अच्छे से मिक्स हो गए हैं, तो इसमें ऐड करेंगे पानी। तो आप पहले थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालें, एक बार में ज़्यादा पानी ना डालें। इस तरीके से मिला के पहले इसकी थिकनेस को चेक कर लेंगे और अगर ज़रूरत लगेगी तो थोड़ा पानी इसमें और ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसमें थोड़ा पानी और ऐड किया है क्योंकि अभी हमें इसे 8 से 10 मिनट और कुक करना है। अब इसे हम लोग कवर कर देंगे और लो फ्लेम पे कुक करेंगे। बीच में 2 मिनट्स बाद इसका लिड हटा के हम लोग एक बार चेक कर लेंगे। तो बहुत ही हल्के हाथों से हमें इसे मिक्स करना है ताकि जो चिकन के पीस हैं वो टूटे नहीं। अब इसे वापस हम लोग लिड लगा देंगे और इसे कुक होने देंगे। 4 मिनट के बाद इसका ढक्कन मैंने फिर से हटाया है और इसे मैं इस तरीके से मिक्स कर लूँगी जिससे हमारा जो चिकन है वो कढ़ाई के तले में चिपके नहीं या फिर जले नहीं। अब इसमें हल्का हल्का ऑयल ऊपर आ गया है। अब इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला, कसूरी मेथी, इसे मैं हाथ से ऐसे क्रश करके डालूँगी। इन सबको आपस में चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे क्रीम। तो मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून क्रीम का यूज़ किया है, आप चाहें तो थोड़ा कम ज़्यादा इसे कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे। मैंने आपको इस रेसिपी में जो भी इंग्रेडिएंट्स और जो भी मेजरमेंट बताया है इसी हिसाब से आप इस रेसिपी को बनाएं तो आपकी भी जो रेसिपी है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। आप इस रेसिपी को कम ऑयल में भी बना सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे जिंजर, ग्रीन चिली, ग्रीन कोरिएंडर लीव्स, केवड़ा वाटर, ये आपको ईजिली अवेलेबल हो जाता है, आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। अब इन सबको आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेरी ये रेसिपी थोड़ी प्रेजेंटेबल दिखी इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा ऑयल का यूज़ किया है, आप इसे कम ऑयल में भी बना सकते हैं। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है, अब इसे सर्व करेंगे। आई होप आज की ये रेसिपी पुरानी दिल्ली की फेमस मुगलई चिकन की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी और इस रेसिपी को आप रुमाली रोटी, नान, तंदूरी रोटी या फिर खमीरी रोटी के साथ खा सकते हैं। इन सब के साथ ये अच्छी लगती है। और अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी इसी तरीके की हर एक वीडियो आप बहुत ही आराम से देख सकें। और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे बहुत ही जल्द न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।